ओके बेटा गुड मॉर्निंग लेट स्टार्ट अवर टॉपिक टेक्सोनॉमिकल एड्स की हम बात कर रहे थे क्या थे टेक्सोनॉमिकल एड्स जो हेल्पफुल होते हैं आपके पास uh, उन प्रोसेस में मतलब क्लासिफिकेशन की प्रोसेस के लिए इस कैटेगरी uh, में हमने बात की थी हर्बेरियम और म्यूजियम की नाउ द थर्ड टेक्सोनॉमिकल एड दैट इज बोटेनिकल गार्डन द स्पेशलाइज गार्डन क्या है बोटेनिकल गार्डन जैसे नॉर्मल गार्डन होता है वैसे ही गार्डन ही है पिटा लेकिन इसमें जो प्लांट्स हैं वो स्पेसिफिक टाइप के हो जाते हैं द स्पेशलाइज गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स ठीक है स्पेशलाइज्ड गार्डन है जहाँ लिविंग प्लांट्स हैं ये स्पेसिफिक प्लांट्स हैं जो यूज़ होते हैं आपके पास आइडेंटिफिकेशन के लिए या और ये जो प्लांट्स हैं आपके पास दे हैव लेबल्ड कंप्लीट क्लासिफिकेशन उस प्लांट के साथ ही आपको एक बोर्ड मिल जाएगा उसके ऊपर उसका साइंटिफिक नेम क्या है फैमिली क्या है क्लास ऑर्डर सब मतलब कंप्लीट क्लासिफिकेशन ठीक है एटलीस्ट साइंटिफिक नेम तो डेफिनेटली आपको वहाँ मिल ही जाएगा मोस्ट फेमस बॉटेनिकल गार्डन बहुत सारे बोटेनिकल गार्डन हैं हर एक इंस्टीट्यूट के साथ आपके पास मतलब बॉटेनिकल गार्डन है आपके ही स्कूल में आपको स्पेसिफिक टाइप के प्लांट्स गार्डन में देखने को मिल जाएंगे जो सबसे ज़्यादा फेमस बॉटेनिकल गार्डन है क्यू इंग्लैंड के अंदर इंडियन बॉटेनिकल गार्डन हावोर इंडिया के अंदर और नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है इंडिया के ही अंदर ये फेमस बॉटेनिकल गार्डन्स आ जाते हैं फोर्थ है आपके पास फैक्टर बेटा जूलॉजिकल पार्क्स जू की सबने विजिट की हो गई वही जू आपके पास क्या है जूलॉजिकल पार्क दीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स देखिए दो चीज़ें होती है बेटा वन इज द फ्लोरा एंड अदर इज फोना फ्लोरा वर्ड ऑलवेज रिलेट्स विद द प्लान्ट एंड फोना वर्ड ऑलवेज रिलेट्स विद द एनीमल्स तो जो जूलॉजिकल पार्क हैं दिज आर रिलेटेड विद द फोना ये वो प्लेस होंगे जहाँ एनिमल्स को रखा जाता है उनके प्रोटेक्टिव एन्वायरमेंट के अंदर आपने किसी जू की विजिट की है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा बेटा कि इन एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटार्ट जैसा ही एनवायरमेंट दिया जाता है कि उन्हें लगे कि दैट दे आर लिविंग इन ए नैचुरल हैबिटार्ट अंडर ह्यूमन केयर ह्यूमन मतलब उनकी केयर वगैरह करता है सारा कुछ उनके काम वाम परफॉर्म किए जाते हैं एंड विच अनेबल आज टू लर्न अबाउट देयर बिहेवियरल अडप्टेन कि वो कैसे रहते हैं क्या क्या उनकी अडप्टेशन्स हैं बिहेवियर कैसा है मतलब देय आर वेरी हेल्पफुल टू स्टडी द वाइल्ड एनिमल इफ समन हैव इंटरेस्ट इन द वाइल्ड एनिमल ही ओश ई मस्ट विजिट द जूलॉजिकल पार्क और आ नॉर्मल पर्सन कैन ऑल्सो विजिट इट्स अ स्पेसिफिक गुड प्लेस नेक्स्ट है बेटा की की इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के केस में काम आती है आपके पास प्लाट्स के केस में भी और एनिमल्स के केस में भी बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज ठीक है जैसे क्लासिफिकेशन क्या थी आपके पास हमने डेफिनेशन में किया था ग्रुपिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम ऑन द बेस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी ऐसे ये भी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी पे बेस है कीज़ आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो कीज हैं वो आपके पास कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है बेटा जस्ट अपोजिट जैसे मैं बात करूं टॉल और आप बात कर रहे हो डॉर मैं कह रही हूँ डे आप कह रहे हो नाइट मैं कह रही हूँ सिट आप बात कर रहे हो स्टैंड मतलब कॉन्ट्रास्टिंग बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर्स की जनरली इन इन्हें पेयर पूरे ग्रुप में होते हैं और उस ग्रुप को नाम दिया जाता है बेटा कपलेट मतलब दिन रात उल्टा सीधा कपलेट कपल टू चीज इट रिप्रेजेंट uh, द चॉइस मेड बिटवीन द टू अपोजिट ऑप्शन वो जो दो अपोजिट ऑप्शन है उसमें से आपको एक चूज करना है विच रिजल्ट इन एक्सेप्टेशन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर ऑब्वियसली आप उनमें से एक चूज करोगे दूसरा अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड जिसको आप सेलेक्ट करते हुए चल रहे हो उसे क्या नाम दोगे उस तो स्टेटमेंट को आप लीड फॉर सेपरेट टेक्सोन सेपरेट कीज़ आर रिक्वायर्ड अलग अलग जैसे फैमिली के लिए अलग जीनस के लिए अलग ऑर्डर के लिए अलग क्लास के लिए अलग 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 टेक्सोन के लिए आपके पास अलग अलग कीज़ की रिक्वायरमेंट होती है नाउ सी जैसे मैं आपसे बात करूं कि आपका नाम ठीक है कहाँ से हो और आपने 11th में मेडिकल ही क्यों लिया आप क्या बनना चाहते हो नॉन मेडिकल क्यों नहीं लिया मतलब क्या है आपके पास मैं आपकी काउंसलिंग कर रही हूँ काउंसलिंग करने के लिए क्या है मेरे पास एक लिस्ट है क्वेश्चंस की ठीक है मैं उस लिस्ट में से अपने पॉइंट्स पे जो जो इंपॉर्टेंट है उनको मार्क करती जा रही हूँ मैंने पूछा नाम ठीक है फिर उसके बाद वट यू वॉन्ट टू चूज इन द इलेवंथ मेडिकल और नॉन मेडिकल आपने कहा मेडिकल नॉन मेडिकल का ऑप्शन वहीं छूट गया दो थी देखिए स्पेसिफिक चॉइस की हमने बात की थी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली ने पेयर कॉल कपलेट जैसे मेडिकल नॉन मेडिकल दो की बात होगी एक आपने चूज कर लिया जिस आपने चूज किया वो क्या कहलाया लीड और दूसरा एक को आपने एक्सेप्ट किया दूसरा अपने आप रिजेक्ट हो गया हमने कहा मेडिकल मेडिकल में भी आप क्या बनना चाहते हो डॉक्टर है ठीक है फार्मासिस्ट है नर्स है मेडिकल लाइन में ही मतलब क्यों जाना चाहते हो इसके अलावा आप टीचिंग में किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो कॉलेज लेवल पे जाना चाहते हो यूनिवर्सिटी लेवल पे रिसर्च में किस टॉपिक पे रिसर्च वेटनरी सर्जन वट एवर बी द क्राइटेरिया मतलब हर बार क्या है एक पूरी लिस्ट में से आप एक ऑप्शन को चूज करते जा रहे हो दूसरे को रिजेक्ट करते जा रहे हो ठीक है ये होते हैं की बेटा प्लांट्स के केस में एनिमल्स के केस में अलग इवन हर एक के लिए आपको क्या चाहिए एक सेपरेट की की रिक्वायरमेंट है ठीक है ये कुछ फैक्टर्स हो गए आपके हर्बेरिया म्यूजियम बोटेनिकल गार्डन जूलॉजिकल पार्क और की इनके अलावा भी क्या है अदर देन ऑल मैं अबो जिनकी हमने बात की फ्लोरा फ्लोरा हमने अभी बात किया था प्लांट मटेरियल क्या है मैनुअल्स क्या है कि स्पेसिफिक आप मैनुअल्स लेके चल पड़ो मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स आर सम अदर ये भी कुछ तरीके हैं जिन जो आपके पास क्या है टेक्सोनोमिकल एड्स कहलाएंगे आपके पास क्लासिफिकेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है दिस इज अ जनरल इंट्रोडक्टरी व्यू ऑफ बिटा फर्स्ट चैप्टर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जहाँ हम फाइव किंगडम सिस्टम की बात करेंगे वन मोर थिंग बेटा इट्स माय रिक्वेस्ट कि इस यूनिट को आप फर्स्ट यूनिट को स्पेशली सेकंड थर्ड और फोर्थ चैप्टर को एकदम से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वे में ना पढ़िएगा फर्स्टली हम इस uh, यूनिट को कवर करेंगे एनसीईआरटी बेसिस पे ताकि आपको इसके जो भी बेसिक पॉइंट्स हैं वो समझ में आ जाएं इफ यू नो द बेसिक पॉइंट्स देन यू आर एबल टू स्टडी द डीप डिटेल ओके अगर आप स्टार्टिंग में ही डिटेल में गए तो इस यूनिट में इतने सब पार्ट्स हैं यू विल गेट कन्फ्यूज स्टार्टिंग में आप बेसिक पॉइंट्स को ध्यान से समझिए और उसके बाद जब डिटेल में मतलब हम सिक्वेंस में चलते जाएंगे तो वापस से हम इसके डिटेल पॉइंट्स पे आ जाएंगे ठीक है बेटा ओके okay.